ऐसा जबरदस्त धुएं उठ रहे हैं। गर्मा गर्म आलू कीमा 140 रुपए की प्लेट, दाल माच, ये धनिया डाल के जबरदस्त किस्म का, ये दाल चना स्पेशल फ्राई आलू कीमा, किसको नहीं पसंद। ये जी आलू कीमे का बाइट एक, ये है वाइट चिकन कढ़ाई, ये मुझे लगता है ये बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ से ना एक मज़ेदार किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का ये एक बाइट बनाते हैं। और अब अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वासिफ हसन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे, लाहौर हैंगआउट पे वीडियोस देख के खूब लुत्फानंदोज हो रहे हो। आज मैं बरकत मार्केट आया हूँ और यहाँ से मैं इब्राहिम होटल से, जो कि बरकत मार्केट में मौजूद है, लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे फॉलो करके यहाँ आ सकते हैं। इब्राहिम होटल से आज हम इनके 3-4 डिफरेंट तरह के खाने ट्राई करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इनका फूड का टेस्ट कैसा है। इब्राहिम होटल यहाँ पर तकरीबन 1975 से है, तो इसको ऑलमोस्ट कोई 40-45 साल हो चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनके फूड का टेस्ट अच्छा होगा। लेकिन अभी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली इनका फूड है कैसा टेस्ट में। तो आए मेरे साथ, चले चलते हैं और देखते हैं इनका फूड कैसा है। आ जाए, ये जो सर्विंग है ये कितने की है प्लेट? सर ये 100 रुपए की है। ये 100 रुपए की दाल फ्राई है, दाल चना। हाँ जी। और दाल माच होती है? दाल माच भी फ्राई 100 रुपए की है। दाल माच 100 रुपए। और बाकी जो बाकी चीजें ये क्या है जरा भी करके चले, इस पे से फ्री होना तो फिर बताएं। करें सर, मेरे पे आर्डर ही आर्डर। ये बताएं ये क्या है? ये सर चिकन कलेजी है। चिकन कलेजी, चिकन कलेजी कितने की है? 120 की सर। 120 की चिकन कलेजी की प्लेट है। हाँ जी। और उसके बाद ये क्या है? व्हाइट कढ़ाई। हाँ व्हाइट कढ़ाई है सर। ये कितने की है? ये 180 रुपए की। 180 रुपए की व्हाइट कढ़ाई, बोनलेस है ना ये? हाँ जी, बोनलेस ही है। और ये दाल माच फ्राई है, ये 100 रुपए की प्लेट है ना? हाँ जी सर, जबरदस्त, मेरी फेवरेट दाल माच। और आपने मुझे भी यार एक दाल माच जरूर लगा के देनी है, और थोड़ा दरिया चुनिया डाल के ना जबरदस्त उस तरह से देनी है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा आपके पास जलफ्रेजी है सर? एक जलफ्रेजी की तरह ये हो गया जी, चिकन जलफ्रेजी। ये कितने की प्लेट है? 140 की, इसमें डाल दे। 140 की। लो जी, मैंने आज काम भी शुरू कर दिया यहाँ पे। अच्छा, और इसके साथ ये क्या? आलू अंडा। हाँ जी, आलू अंडा। ये कितने का है? ये सिर्फ 80 रुपए का। सिर्फ 80 रुपए का आलू अंडा, जबरदस्त। और ये क्या है? ये आलू गोभी है सब्जी। आलू गोभी, आज की सब्जी आलू गोभी? आलू गोभी है, शलजम फ्राई होगी है। और ये कितने की आलू गोभी सब्जी? 80 रुपए की आलू गोभी। और आगे क्या है जो खत्म हुआ? शलजम हो गया, शलजम खत्म हो गया, वो भी 80 रुपए का। हाँ जी। और ये है दाल चना? दाल चना सादा, सादा फ्राई कढ़ाई में करते हैं। फ्राई कढ़ाई में होगी। ये कितने की? 100 रुपए की प्लेट थी ना फ्राई। अच्छा जी। और ये क्या है जो यहाँ पे है? ये चिकन कोरमा है सर। ये चिकन कोरमे की प्लेट कितने की? 160 की सर। और इसमें कितनी बोटियाँ डालेंगे? 3 बोटियाँ डालेंगे। 3 बोटियाँ, तो यानी कि ये और ये 3 बोटियाँ जो आपको 160 रुपए की प्लेट बनेगी। जबरदस्त हो गया। और आखिरी रह गया हमारे पास ये आलू कीमा। आलू कीमा किस तरह है? आलू कीमा 140 रुपए का। 140 रुपए का ये आलू कीमा, कैसा जबरदस्त, धुएं उठ रहे हैं। गर्मा गर्म आलू कीमा 140 रुपए की प्लेट। मॉडल ये सर 75 का है। 1975 से है। और इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 24 घंटे है। ये 24 आवर्स है। ईद पे छुट्टी होता है, बकरी बकरा ईद पे और ईद उल फितर पे छुट्टी होता है। और छुट्टी नहीं है, बिल्कुल लगने लगा। हाँ, ये दाल माच आप, दाल माच फ्राई बहुत प्यारी सी होनी चाहिए, अच्छी होगी। पता लगे मेरे भाई ने बनाई है। भाई का नाम क्या है? तौकीर अहमद है। तौकीर, और मेरे भाई तौकीर ने बनाई है दाल फ्राई, दाल माच, ये धनिया डाल के जबरदस्त किस्म का। हो जान दिए मसाद हो गया, तेरा भी हो गया है, जरा एक्साइटमेंट ये हो रही है जी। जबरदस्त किस्म की दाल फ्राई, और इसमें इन्होंने फ्राई के लिए ना ये बना के ऑलरेडी रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। इन्होंने अदरक लहसुन और टमाटर प्याज को पका के फ्राई मसाला बनाया हुआ है। अदरक लहसुन टमाटर प्याज मिला के फ्राई मसाला बनाया हुआ है, जबरदस्त। ये हो गई जी दाल माच। आप अगला क्या लगाएंगे? ये 2-3 हो रहे हैं प्लेटें। दो आलू की, दो आलू की।
नहीं ये दोनों पार्सल जाएगी। दोनों पार्सल वो पैक ना करें, ये दो सालन पैक इधर देन पैक में आप करें हम से राजू भैया काउंटर पे आपका दाल नाश्ता कर दो। आपका दाल नाश्ता कर दो। सारे आपके आएंगे ये क्या है जी हमारी व्हाइट कढ़ाई। हाँ जी व्हाइट कढ़ाई, व्हाइट कढ़ाई जबरदस्त तो तड़का लग रहा है दोबारा से ताकि जरा इसमें वापस जिंदगी आ जाए। क्या बात तौकीद मेरे भाई ने कुछ तड़का लगा दिया जबरदस्त किस्म का। और इसके बाद आलू कीमा और फिर आलू गोभी। चल यार पूरा करते, इतना रश है कि तौकीद के बाद। लो जी बारी आ गई आलू गोभी की और इस गोभी जबरदस्त किस्म का तड़का लगना है। और ये हो गया इसके ऊपर भी धनिया चिमिया डलेगा, इसके ऊपर भी धनिया डलेगा जबरदस्त किस्म का ये बनना है। इतनी देर में तौकीर जो है ना वो और पैकिंग करना है क्योंकि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अगर आप यहाँ इब्राहिम होटल आएंगे ना तो आपको थोड़ा वेट इसलिए करना पड़ेगा कि तौकीर जो है ना बहुत स्पीड से काम तो करता है लेकिन टाइम उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे ही है ना, टाइम कोई नहीं है तौकीर के पास। आपके पास चाहिए जिसके पास चक्के आने हैं उनका काम है। हमारे तो सिर्फ 600 है, 600 को हम किधर ले जाएंगे 700 को। अच्छा 700 की तो सुर्खी मिलती है। घर जाता हूँ सर मैं 11 महीने 12 महीने के बाद। 11 महीने तो मेरे पक्के हैं, रमजान शरीफ के अंदर जाता हूँ। इब्राहिम होटल का जो आलू गोभी और अभी इस पे उन्होंने जबरदस्त किस्म का तड़का लगाया है। चीजें पहले से बनी होती है लेकिन तड़के में फ्राई करके ना आपको उसी वक्त देते हैं और जबरदस्त गर्मा गर्म चीजें आपके पास आती हैं। यहाँ पे आए तो ये है आलू कीमा और ये बड़े गोश्त का कीमा है। और अगर इधर से आगे आए तो ये है दाल, चने की दाल फ्राई, और ये है माश की दाल फ्राई, और ये है चिकन वाइट हांडी, और साथ में हमने रोटी ली है सादा रोटी। और अभी इन सब चीजों को इस रोटी के साथ हमने ट्राई करना है और मुझे उम्मीद है देखने में चीजें जबरदस्त लग रही हैं तो खाने में भी बहुत आला होने वाली हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और सबसे पहले जो चीज़ मैं ट्राई करूंगा वो मेरी फेवरेट होगी दाल माश। और यहाँ से एक रोटी का निवाला लेते हैं, गर्मा गर्म करारी रोटी आई है और ये दाल माश है। इसको ज़रा थोड़ा सा ना क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ी सी ना ये ठंडी हुई है लेकिन इसको यहाँ से ज़रा रौनक इसकी बहाल करते हैं और ये एक बाइट बनाते हैं। ये चेक करें ठीक है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ परफेक्ट दाल है, नरम खस और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गली हुई स्पाइसेस, बहुत ही नॉर्मल है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आपको मिर्चें लग रही हों और आपका दिल ना करे एक सौ खाने को। तो दाल मुझे तो बहुत पसंद आई। यहाँ से इसका ना एक इसका भी एक बाइट बनाता हूँ मैं। ये देखें ये दाल चना स्पेशल फ्राई और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाओ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी सी हार्ड है। मैं चाहूँगा थोड़ी सी और ज़रा ना नरम हो, थोड़ी सी और ज़्यादा गली भी हो। यहाँ से आगे चलते हैं और आगे हमारे पास है जी आलू कीमा। आलू कीमा किसको नहीं पसंद। यहाँ से आलू कीमा एक बाइट लेते हैं ज़बरदस्त किस्म का। ये जी आलू कीमे का बाइट एक और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़ा कीमा है ये, बड़े गोश्त का।
वाओ माशाल्लाह, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। अभी तक मुझे दाल माछ और आलू कीमा जो है ना, मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें बड़ी ही परफेक्ट हैं। अच्छा, अब ये जो है आलू गोभी सब्ज़ी, आज की जो है आलू गोभी है, शलजम भी थी लेकिन वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा आलू गोभी करते हैं यहाँ से। एक बाइट ज़बरदस्त किस्म की, फुल गर्मा गर्म है, ऊपर से इन्होंने गार्निश जो है धनिया छनिया का किया हुआ है। लेकिन मुझे ये आलू गोभी जो है ना, कोई इतनी को ख़ास पसंद नहीं आई। वैसे टेस्ट तो अच्छा है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये है वाइट चिकन कढ़ाई, ये मुझे लगता है ये बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये यहाँ से ना एक मज़ेदार किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का ये एक बाइट बनाते हैं और अब इसको करते हैं जी ट्राई। ज़बरदस्त किस्म का, अभी आपने फ्राई होता देखा, वाओ माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी तक मेरी जो सबसे बेस्ट चीज़ थी मुझे दाल माछ लगी थी, लेकिन मेरे हिसाब से अब जो ये है ना इनकी वाइट कढ़ाई, चिकन वाइट कढ़ाई, ये बहुत ही आला है और इन सब चीज़ों में सबसे बेहतरीन चिकन वाइट कढ़ाई है। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है 160 रुपए की या 170 रुपए की है कीमत, मैं आपको नीचे लिखी दूंगा। तो अगर आप बरकत मार्केट में, अगर आप इब्राहिम होटल आएँ तो आपने इनकी जो वाइट चिकन कढ़ाई है ना वो ज़रूर ट्राई करनी है, और साथ में दाल माश भी, और उसके साथ आपने आलू कीमा भी ट्राई करना है। मुझे तो इनका फूड ओवरऑल जो है, इनका फूड बहुत अच्छा लगा। सब्ज़ी वैसे, क्योंकि मैं यार आपको पता है गोश्त खाने वाले लोग हैं तो सब्ज़ी वैसे ही हमें पसंद नहीं आती, लेकिन चिकन और गोश्त होना तो फिर तो मज़ा जो है ना खाने का वो दुबाला होता है, और दाल माछ मेरी वैसी फेवरेट है। मुझे तो फूड इनका बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग यहाँ इब्राहिम होटल आएँ और आप लोग यहाँ से ट्राई करें तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको इनका फूड कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।